नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं उन तमाम बड़ी खबरों पर जो अब तक के लिए बनी है सुर्खियां। रुपेश हत्याकांड में एक्शन में पटना पुलिस। एसआईटी ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। पुलिस का दावा, जल्द होगा मामले का उद्भेदन। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर राजद और कांग्रेस का सरकार पर जोरदार हमला। जेडीयू बीजेपी ने कहा, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। पुलिस अधिकारियों को ही दी बाबूगिरी से निकलने की नसीहत। मकर संक्रांति को लेकर बिहार में धूम। गंगा स्नान के लिए घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा पाठ और दान पुण्य का दौर जारी। नालंदा में जन्मदिन पर शराब और हुक्का पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। 3 गिरफ्तार, शराबबंदी पर भी उठे सवाल। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में हुई रुपेश हत्याकांड मामले में पटना पुलिस एक्शन में दिख रही है। खुद आईजी संजय कुमार मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी खुद नजर गड़ाए हुए हैं और पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जाँच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने संदेह के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस ठेकेदारी विवाद में हत्या किए जाने के पहलू पर भी जाँच कर रही है। दरअसल रुपेश के बड़े भाई सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का काम करते हैं। जांच में पता चला है कि 7.65 बोर के पिस्टल से रुपेश को गोली मारी गई है और इसे शार्प शूटर ने अंजाम दिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गोपालगंज, छपरा और भोजपुर में छापेमारी की है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाया है। और इधर बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार के पुलिस अपराध नियंत्रण में सक्षम है, इसलिए पुलिस को स्वतंत्र छोड़े नीतीश कुमार। जी हां, बिहार में अपराध के लिए सीएम नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, इसलिए गृह मंत्रालय नीतीश कुमार छोड़े, ये कहना है कांग्रेस के नेता राजेश राठौर का। कल एक आदेश देखे हैं कि नीतीश कुमार जी कहे हैं कि रुपेश सिंह की हत्या के जांच का आदेश दिए हैं और उसकी निगरानी वो स्वयं करेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी, जिस केस की निगरानी आप नहीं कीजिएगा, जिस केस के जांच के आदेश आप नहीं दीजिएगा, उस केस की जांच नहीं होगी। इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार में जितने मामले उलझे हैं मुकदमे के, हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध का, अपहरण का, उसकी जांच के आदेश आप नहीं दिए हैं, इसलिए जांच नहीं हो रहा है। बिहार के पुलिस सक्षम है। अगर बिहार में अपराध बेलगाम है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार है। और पुलिस को आप जिस प्रकार से बांध के रखे हैं, पुलिस को आप स्वतंत्र कीजिए और गृह मंत्रालय के पद से आप त्याग पत्र दीजिए। वहीं आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर राजद ने भी नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में जिस तरीके से अपराध हावी है, वैसे में विपक्षी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर सही सवाल उठाया है। बिहार में अपराधी बेलगाम है और अपराध चरम पर है। ऐसे में सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी और जनता से इसके लिए माफी मांगनी होगी। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त हैं और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त हैं। इस तरह से बिहार नहीं चलेगा। बिहार की जनता की सुरक्षा भगवान के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार की इस नाकामी को हम विपक्ष के नाते उठाते रहेंगे और सरकार को एक मिनट भी अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। बिहार की जनता से सरकार को माफ़ी मांगना होगा। ये जिस तरह से रोज आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेवारी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और वहीं बिहार में बेलगाम अपराधी और अनकंट्रोल अपराध को लेकर जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। रुपेश के हत्यारे अगर पाताल में भी होंगे तो पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। नीतीश सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता है। विपक्ष को बेवजह राजनीति रोटी सेकने की आदत है।
माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और कानून का राज स्थापित रखने के लिए कृत संकल्पित हैं। अपराध की घटनाओं को लेकर चिंतित और संवेदनशील मुख्यमंत्री ने अनेकों समीक्षाएं बैठक अपराध पर की हैं, पुलिस हेडक्वार्टर विजिट किए हैं, आला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, CCTV कैमरे का लगेगा, पुलिस मॉडर्नाइजेशन होगा, पुलिस की ट्रेनिंग की जाएगी, बड़े अधिकारी भी सरकारी गश्त करेंगे। इतना के बावजूद भी कुछ आपराधिक घटनाएं अगर हुई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, DGP को आवश्यक निर्देश दिए हैं और निश्चित ही एक एक आपराधिक घटनाओं को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। अपराधी पाताल में भी रह जाएंगे तो उसे निकाल करके उनका स्पीडी ट्रायल करके वो सलाखों के पीछे होगा। और निश्चित ही जो अगर देखेंगे कि आपराधिक घटनाओं में सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं, मगर प्रशासन कितनी सजगता से और संवेदनशीलता से उसका उद्भेदन करती है देखना आवश्यक है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर BJP का भी बयान आया है। BJP नेता निखिल आनंद ने कहा है कि 2005 से लेकर 2015 तक NDA ने सुशासन का मॉडल स्थापित किया था, लेकिन राजद के सत्ता में आते ही यह मॉडल बिखर गया। एक बार फिर NDA की सरकार है और मुख्यमंत्री खुद सूबे में विधि व्यवस्था और अपराध को लेकर गंभीर हैं और खुद संज्ञान भी लेते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अधिकारी अपनी बिहार के प्रति नैतिकता को समझे और बाबूगिरी की साइकोलॉजी बाहर निकलें और अपराध अनुसंधान और अपराधियों के प्रति कोई ढील नहीं बरतें। हम बिहार को बेहतर और विकसित बिहार बनाने के साथ अपराध मुक्त बिहार बनाने के प्रति भी दृढ़ संकल्पित हैं। बिहार की इसी NDA सरकार ने 2005 से लेकर 2015 तक सुशासन का मॉडल एस्टेब्लिश किया था, लेकिन यह बात भी सत्य है कि 2015 में RJD के गवर्नमेंट में आने के बाद गवर्नेंस का कोहेरेंस गड़बड़ाया था। लेकिन बिहार की NDA सरकार आज भी उसी कदर तत्पर है। मुख्यमंत्री जी घटना का उसी कदर गंभीरता से संज्ञान लेते हैं, लेकिन बिहार के सभी ऑफिसर्स से एक रिक्वेस्ट है कि बिहार के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को समझे, बाबूगिरी की साइकोलॉजी से बाहर निकले, हर घटना के अनुसंधान में कोई कोताही न बरते, अपराधियों के खिलाफ गंभीरता से सख्ती से कार्रवाई करें। बिहार को हम एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए भ्रष्टाचार और कानून के व्यवस्था के स्तर पर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए SDF न्यूज। मकर संक्रांति को लेकर बिहार में धूम, गंगा स्नान के लिए घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा पाठ और दान पुण्य का दौर जारी। नालंदा में जन्मदिन पर शराब और हुक्का पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, 3 गिरफ्तार, शराबबंदी पर भी उठे सवाल। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना,
जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज मकर संक्रांति है, पूरे देश में इसकी धूम है। गंगा नदी के घाटों पर मकर संक्रांति के मौके पर सुबह से गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। पछुआ हवा और भीषण ठंड का असर भी गंगा स्नान पर देखा जा रहा है और काफ़ी कम संख्या में लोग नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुँचे। पटना, खगड़िया, बेगूसराय, बक्सर सहित तमाम शहरों में गंगा किनारे श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करते देखा गया। बताया जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और पूजा पाठ के साथ दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आज लोग भी चूड़ा तिलकुट खाते हैं। नए वर्ष में मकर संक्रांति के अवसर पर लोग दही चूड़ा तिलकुट का भोज भी देते हैं। कुल मिलाकर पूरे सूबे में आज हर्षोल्लास के माहौल रहता है और पूरे दिन दही चूड़ा का भोज का भी आयोजन चलता है। गंगा स्नान के दौरान SDRF की टीम को भी काफ़ी मुस्तैद देखा गया। आज संक्रांति पर्व है, गंगा नहाने का महत्व है, दान प्रदान करने का महत्व है। बहुत बहुत दूर से स्नान करने के लिए आते हैं, दरभंगा से आते हैं, जयनगर से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान के बाद दान प्रदान करते हैं। दान प्रदान करने से सुख शांति मिलता है, धन पुत्र में आनंद मिलता है। बिहार पुलिस में पदस्थापित इंस्पेक्टर के लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि अब दागी भी बन सकेंगे थानेदार। जी हां, थानों में इंस्पेक्टर के पदस्थापना को लेकर सरकार ने बदला अपना फैसला। इस बाबत गृह विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक विभागीय कार्रवाई के तहत 3 साल या बृहद सजा के बाद इंस्पेक्टर को दोबारा थानों में किया जा सकता है तैनात। हालांकि सजा के दौरान इंस्पेक्टर को नहीं मिलेगी थानेदारी। गौरतलब है कि सरकार ने 2019 में 400 इंस्पेक्टरों को दागी बताते हुए थानेदारी से हटा दिया था। और इधर 18 जनवरी से स्कूलों में जूनियर क्लासेस खोलने को लेकर बदलाव की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अब 18 जनवरी से जूनियर क्लासेस को नहीं खोला जाएगा। कोरोना काल के बाद सीनियर क्लासेस 9 से ऊपर खोल दिए गए थे, लेकिन उपस्थिति उतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए। लिहाजा सरकार ने छोटे बच्चों के क्लासेस को बंद करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 18 जनवरी से जूनियर क्लासेस को खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन बिहार में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अभी छोटे बच्चों के क्लासेस नहीं खोले जा रहे हैं। बड़े क्लासेस के बच्चों के भी कम है, इसलिए छोटे बच्चों के स्कूल को बाद में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके मन में थोड़ी सी भी आशंका है वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हम सब मिलकर अभिभावकों की आशंकाओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। वहीं खबर नालंदा से है। बिहार के नालंदा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में बिहार शरीफ कोर्ट ने ADJ मंजूर आलम ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही वीडियो वायरल के मामले में सभी को 3-3 वर्ष और 5-5 हज़ार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बीते दिसंबर 2019 को इन लोगों द्वारा राजगीर पहाड़ पर अपने दोस्त के साथ घूमने गई नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। यही नहीं, रेप की वारदात को इन लोगों ने मोबाइल में वीडियो में बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के 16 दिसंबर को पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये मामला सितंबर 2019 की है। एक नाबालिग 14 साल की बच्ची के साथ 7 लोगों ने राजगीर पहाड़ पर गैंग रेप किया था। इसके संबंध में केस दर्ज। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। नालंदा में जन्मदिन पर शराब और हुक्का पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। 3 गिरफ्तार, शराबबंदी पर भी उठे सवाल। बस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा। हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ,
रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार। परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना। बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नालंदा से है, जहां एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप मचने के साथ साथ यह भी साफ हो गया है कि बिहार में शराबबंदी का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि एसडीएफ न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर जन्मदिन के मौके पर शराब और हुक्का पार्टी करते युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। नालंदा के लहरी थाना इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि जन्मदिन के अवसर पर पार्टी में कुल 11 युवक शामिल थे, जिन्होंने न केवल शराब और हुक्का पार्टी को अंजाम दिया बल्कि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला। तब उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो उन्हें हवालात की भी सजा दिला सकती है। फिलहाल पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर भी नालंदा से है, जहां जन वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल अस्थमा प्रखंड के उगांव गांव में डीलर की दबंगई देखने को मिली है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी के आवास पर ही जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानदार के द्वारा गड़बड़ी किया जाता है और उन्हें पिछले 2 माह से खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जा रही है। हर महीने इंतजार इंतजार करते करते वही मिलता है, इधर एकदम इंतजार कर रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा। तो दे नहीं रहा? नहीं नहीं दे रहा, बोल रहा पंचिंग खराब हो गया, बन के आएगा तब होगा, तब मिलेगा। कितना माइनस नहीं मिला? यही 2 महीना। अगली खबर लातेहार से है। लातेहार जिले के हेरगंज थाना के महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित बस स्टैंड में जेएमपी के उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी की है। पोस्टर में हेरगंज प्रखंड क्षेत्र के काम करने वाले सभी ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि कोई भी काम करने से पहले संगठन से बात कर ले, अन्यथा कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहे। निवेदक में संगठन के किसी विनय नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हेरगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना से कुछ ही दूरी पर पोस्टर की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज। नमस्कार।